मेहरबानी। बहुत दिनों बाद ही है इस बार का प्रश्न। बस तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए देर हो गई। ये एक सूट तुम्हारा और एक शीरी का है। वैसे है कहाँ वो प्यारी लड़की? तुम इस बार वाकई देर लगा दी है तुमने। मतलब वो अब यहाँ नहीं है, कश्मीर चली गई वापस। चली गई? लेकिन क्यों, तुम दोनों में तो खूब बन गई थी। तो जमाने से नहीं बनी हमारी। नफरत की तेज आंधी चलती है ना, तो मोहब्बत के दरख्त से सूखे पत्तों के साथ साथ ताजा पत्तों को भी शाख से जुदा कर देती है। मैं समझी नहीं। बस इतना जान लो कि उन जालिमों ने उसके शौहर को जिंदा नहीं छोड़ा, उसे भी मार देंगे एक दिन। अफसोस हुआ। अब ये जोड़ा बहुत जचता मेरी शीरी पे। चाय पियोगी? नहीं, बस अच्छा जान, होटल की हालत देखी आपने? किचन का बुरा हाल, कमरों का बुरा हाल, और लॉन में सारे पौधे सूखे पड़े हुए। अगर हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो ये सब तो होगा। अगर हम घर में उलझेंगे तो कारोबार को कौन संभालेगा, बताए ना मुझे आप। सारे हो रहे हैं यहां सब पे नजर रखनी पड़ती है। तो खुदा का शुक्र है चाचा जान। सारे मामले सीजन शुरू होने से पहले तय पा गए हैं। अगर बहुत हाथ पैर चलाने होंगे ना हमें, इसलिए कसर भी तो पूरी करनी है हमें। मामलात मामलात अभी तय नहीं हुए फारूक, मामलात तय करने। शीरिन को ये रिश्ता मंजूर नहीं। फैसला हो चुका है चाचा जान। अगर तुम चाहो तो फैसला बदल भी सकता है फारूक। मैं क्यों चाहूंगा? मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगा। अभी हम आधे आधे के हिस्सेदार हैं। ऐसा करते हैं कि इस होटल के चार हिस्से करते हैं, तीन तुम्हारे एक मेरा। आप मेरी गैरत को खरीदना चाहते हैं? हम दोनों के दरमियान इस वक्त कोई भी नहीं है। और मैं कितना मजबूर, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। क्या कहते हो? ठीक है चाचा जान, ठीक है, चार ऐसे करते हैं, एक मेरा, तीन आपके। आप ये फैसला मान लो। मसला मेरा नहीं है फारूक, मसला मेरी बेटी का है। मसला मेरा भी नहीं है मलिक मजीद साहब, मसला मेरे बाप दादा, मेरी माँ, उसके बुजुर्गों का है। मैं सही, लेकिन मेरे बड़ों की तो इज्जत गैरत थी, एक मकाम रुतबा था। एक आटे की नाक मिल रही है हमें, मुझे भी रखने दो और खुद भी रखो मलिक साहब, वरना तुम्हारी बेटी तो हम दोनों की नाक पहले ही काट चुकी है।
बेड नंबर 30 का पेशेंट। मैडम शायद वॉशरूम में गया होगा। वॉशरूम में नहीं है वो। पता नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। तो तुम देखोगे भी कैसे, तुम्हें तो ये नाच गाना देखने से फुर्सत नहीं है। जाओ उसको ढूंढ के लाओ, फिर मिलेगा ये फोन। जाओ। हीरो 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 मैंने बात कर ली है मलक मोहम्मद रमजान से। वो कह रहा था कि अगर अरुण इस रिश्ते से इनकार कर दे सब लोगों के सामने, तो कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता।